हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा की रेसिपी जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान भी है और बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के आलू और मैंने इनका छिलका उतार कर इन्हें फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है और एक आलू मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो इसे बीच से हाफ कर लेंगे और फिर इसके एक स्लाइस को कट कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राइज की शेप में लंबा लंबा कट कर लेंगे इसे बहुत ज़्यादा मोटा कट ना करें इसे पतला पतला ही रखें तो आप देख सकते हैं कि आलू हमारे सारे कट हो चुके हैं अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे तो आलुओं को मैंने दो से तीन बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पानी को मैंने ड्रेन भी कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप बेसन और अब हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून चावल का आटा चावल का आटा डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं आप चाहें तो कॉर्नफ्लॉक भी ऐड कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आप चाहें तो रेड चिल्ली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट वन टीस्पून आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा एक पिंच और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें थोड़ा थोड़ा करके पानी का यूज़ करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब हम हाथों की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू हमारे सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे एक पैन लेंगे और पैन में हम ऑयल को ऐड कर लेंगे ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे ऑयल हमारा गरम हो चुका है अब हम एक एक कर कर इसमें आलू के पीसीस को ऐड करते जाएंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आलूओं का जो कलर है वो चेंज हो चुका है इन पे बहुत ही अच्छा ब्राउन गोल्डन सा कलर आ चुका है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े में कितना अच्छा कलर आया है तो इसी तरह अब हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे तो एक एक करके हम इसमें अपने आलू को ऐड करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ़्राई कर लेंगे तो आप इन्हें घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आप इन्हें रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है रमज़ान के लिए तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच फ़्राइज़ पकोड़ा हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं आई होप कि आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा इसे अपने फ़ैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे रमज़ान में जरूर बनाइएगा ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह फिर